ग्वालियर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गुब्बारा फाटक के पास स्थित एक सैनिटरी गोदाम में आग लगने से लाखों के नुकसान का अंदेशा है। आग लगने का कारण फिलहाल साफ नहीं हो सका है, लेकिन दुकान मालिक का कहना है कि पटाखों की वजह से यह आग लगी है। लोग बुधवार को ही पटाखे और रॉकेट चला रहे थे। संभावना है कि सैनिटरी हाउस के ऊपरी हिस्से में पटाखे से निकली चिंगारी ने आग को भड़का दिया। सैनिटरी हाउस के ऊपरी हिस्से में प्लास्टिक के पाइप और अन्य लकड़ी का सामान रखा था, जो देखते ही देखते राख के ढेर में तब्दील हो गया। फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। हालांकि दुकान मालिक का कहना था कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां विलंब से आ रही थी, जिसके चलते आग बार बार भड़क रही थी। आग सैनिटरी हाउस के ऊपरी हिस्से में थी, इसलिए वहां तक पानी की बौछार करने में दमकल दस्ते को काफी परेशानी भी आई, लेकिन गनीमत रही कि इस आगजनी में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। दुकान मालिक का कहना है कि इस आगजनी में तकरीबन 5 लाख रुपये से ज़्यादा का नुकसान होने का अंदेशा है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जल्दी मौके पर पहुंच गई थीं। आग गुरुवार की शाम को लगी थी। घना इलाका होने के कारण दमकल कर्मियों को आस पड़ोस के मकान की छत से गोदाम में चढ़ना पड़ा। करीब 2 घंटे तक गुब्बारा फाटक इलाके में लोग दहशत में रहे। बच्चों ने बताया कि आग लगी है। अच्छा, हम लोग चाबी मंगाई है तब खोला हमने। कितने का सामान होगा ऊपर? 2-4 लाख रुपए का तो है, मामूली बात हो तो। सैनिटरी का काम? हाँ, सैनिटरी का काम है। मतलब किसकी थी इस दुकान सैनिटरी को? अपनी है। क्या नाम है? सोन दीपक जैन। अच्छा, तो क्या मतलब मुझे पता चल रहा है आग कैसे लगी? क्या वो पटाखे से लगी है बस? अच्छा, सर कर रहे नहीं है? अच्छा, पटाखे से लगी है। तो अभी क्या मतलब फायर ब्रिगेड गाड़ी ने आपको बुझाया, कैसे क्या प्रयास कर रहे हैं? वो कोशिश कर रहे हैं, अभी अभी बुझी नहीं है। आपने शोरूम दिवाली पे ही खोला बता रहे थे? अब पहले बहुत दिन हो गए, मतलब 6 महीने हो गए। उद्घाटन किया था भी आपने? 6 महीने पहले खुल गई। अच्छा, रोल करो, रोल रोल। भैया कैसी क्या स्थिति है, कैसे कैसे चल रही है? मुझे यहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि शिवजी प्रसाद के पीछे एक उसमें सैनिटरी के गोदाम में आग है। मैंने एक तत्काल बाड़ा की गाड़ी और एक अपनी गाड़ी स्टेडियम की गाड़ी लेके तत्काल जहाँ आया और यहाँ देखा तो ऊपर भयानक आग है। आगे कैजुअल्टी लाइफ कुछ है नहीं है, पब्लिक को नीचे उतार लिया गया है और बाकी गाड़ियाँ मेरी आ रही है, काम कर रही है। कितनी गाड़ी लग चुकी है अभी तक? अभी मेरी 3 गाड़ियाँ लग चुकी है, 4-4 गाड़ी पीछे फायरिंग चल रही है, 1 टैंकर लग चुका है, 2 गाड़ी और आ रही है। अभी तो कोई जानकारी हुआ नहीं है, बात भी नहीं हुआ उनसे। अभी पहले हम कार कर लें, उसके बाद ही अभी मेरी बात नहीं हुई। अभी मैं अभी कार कर रहा हूँ, मेरा देवेंद्र सिंह ले रहे। अभी कंट्रोल में थोड़ा और अपन प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द कंट्रोल हो जाए। अभी सूचना मिली है डी सी नाले में सैनिटरी की दुकान है, उसके कुछ ऊपर की गोदाम में आग लगी है। आग लगी भी आ गई है और बुझाने का काम चालू है। तो देखने पता चला है क्या कारण क्या था आग लगने का पता है? अभी तो कुछ पता नहीं है, पता लगेगा। कैसे क्या सूचना मिली थी? अभी थोड़ी देर पहले मुझे सूचना मिली कि यहाँ ये गुब्बारा फाटक पर आग लग गई है, तो तुरंत मैं यहाँ आई हूँ और देखा है कि ना ये यहाँ प्लास्टिक गोदाम था जिसमें प्लास्टिक के पाइप वगैरह रखे थे सैनिटरी का सामान, तो उसमें आग पकड़ ली है। लेकिन आग पर काबू पाया जा रहा है और थोड़ी बहुत देर में शायद आग पर काबू पा लिया जाएगा और यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई है। और जो भी नुकसान हुआ होगा वो खैर अब बाद में पता चलेगा और जो भी हम लोगों से आर्थिक सहायता होगी वो करेंगे। आग लगने का कारण पटाखे? आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। कि बताना है दुकान मालिक बताएंगे पटाखे की वजह से आग लगी है? नहीं, अभी तो ये अब कोई जानकारी नहीं है इतनी, क्योंकि अभी ये तो जब पूरी तरीके से आग पर काबू पाया जाएगा उसके बाद पता चलेगा क्या कारण था।